नेटफ्लिक्स की दुनिया में बॉलीवुड के तमाम सितारे अब अपने करियर को आजमा रहे हैं, स्पेशली लॉकडाउन के मौके पर। लॉकडाउन के मौके पर नेटफ्लिक्स ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट तमाम किए हैं। अमेजन प्राइम, डिज्नी प्लस हॉटस्टार के बाद नेटफ्लिक्स ने भी बड़ा सरप्राइज अपने फैंस के लिए तैयार कर लिया है, ओरिजिन कॉन्टेंट के साथ। जी हाँ, इस बार आपके फेवरेट कई सितारे आपको फिर दिखेंगे आपके घर पर, वो भी अपने नए अंदाज में, आपकी टीवी, अपने मोबाइल फोन और लैपटॉप में। नाम इसमें बॉलीवुड के कई सितारों में बॉबी देओल का भी है। जी हाँ, धर्मेंद्र के बेटे, छोटे बेटे बॉबी देओल की हम बात कर रहे हैं। बॉबी देओल अपनी करियर में अब तक कई ऐसी फिल्में दे चुके हैं जो फ्लॉप होने के कारण उन्हें डिप्रेशन की तरफ ले जा रही थी, लेकिन रेस 3 में कमबैक करने के बाद, हाउसफुल 4 में नजर आने के बाद, अब बॉबी देओल नेटफ्लिक्स की दुनिया में आ रहे हैं। नेटफ्लिक्स की दुनिया में बॉबी देओल की एक फिल्म हो रही है रिलीज, जिसके बारे में आपके बीच हम बात करने वाले हैं। वर्ल्ड 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 स्टेटमेंट सामने आए हैं बॉबी देओल की फिल्म को लेकर। बॉबी देओल की फिल्म क्लास ऑफ 83 हो रही है रिलीज। जी हाँ, क्लास ऑफ 83, जो कि ज़बरदस्त होगी उनकी इसमें एक्टिंग, और धर्मेंद्र के लिए आई है ये खुशखबरी बॉबी देओल के घर से, क्योंकि बॉबी बीते साल अपनी फिल्म को करने के बाद अब तक कोई बड़ी फिल्म को लेकर बात नहीं कर पाए थे, लेकिन लॉकडाउन में नेटफ्लिक्स में धमाल करते हुए बॉबी देओल परिवार के बीच जश्न लेकर आने वाले हैं, क्योंकि धर्मेंद्र भी हम अपने बेटे के साथ अभी नहीं है, वो लोनावला स्थित अपने फार्म हाउस में है। ऐसे में घर पर अगर वो टीवी के जरिए अपने बेटे के नए अंदाज को देख पाएंगे तो इस वक्त उनके लिए इससे आसान तरीका अपने बेटे से जुड़ने का और कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।